बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम और मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल 8 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक रावलपिंडी के इतवार बाज़ार में। आइए हम इसमें ये देखते हैं कि पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिसमें आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, और जो मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कितना फ़र्क पड़ा है, और लोगों से जानेंगे कि आया कि इस महंगाई में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावे तो बहुत करती थी कि हम महंगाई को और करप्शन को कंट्रोल करेंगे, आइए हम लोगों से जानते हैं कि महंगाई पे उनके क्या कहना है। पुराने को ख़त्म करो, खान ने जो है ना तब्दीली लाई है, जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इसलिए नए इलेक्शन होने चाहिए, नई काबीना आनी चाहिए। आप इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, आप जो चीज़ें ले रहे हैं, आज से 5 दिन पहले रेट में क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आधो आध फर्क है। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें कितनी ज़्यादा महंगाई हुई है, और दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावे तो बहुत किए थे कि हम तब्दीली लाएंगे, उस पर क्या कहते हैं आप? सर, मैंने भी वोट पीटीआई को दिया था, लेकिन जब 3 साल गुजर गए हैं तो यही पता चला कुछ काम नहीं हुआ, कोई महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, किस चीज़ का कंट्रोल है ही नहीं, ना कोई कानून है, कुछ भी नहीं है, हर कोई अभी महंगा नहीं। अभी मैं चीनी 160 रुपये किलो लेकर आया हूँ, जो बोरी 5800 की आती थी आटे की, अब 6400 की आ रही है, जो सिलेंडर 2300 का आता था अब वो 3400 का बराबर आ रहा है। किधर जाएं आवाम, किधर जाएं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कानून है, किससे पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताएं हमें, हमने वोट इनको दिया था। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावे तो बहुत किए थे कि हम तब्दीली लाएंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे, इस पर क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इमरान ख़ान साहब को ये कहना चाहता हूँ, सर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लिहाजा आप जितने बड़े मिनिस्टर भी हैं, लेकिन प्लीज़ ये जितनी भी महंगाई हो रही है ये मुल्क के लिए, गरीब आवाम के लिए, इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। जो गरीब बेचारा 200-300 का दिहाड़ लगाता है, वो क्या कमाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? ठीक है, जो अमीर लोग हैं चलो उनका निज़ाम तो फिर चाह रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, वो महंगाई की वजह से बहुत तंग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये नहीं बहुत, जितनी भी ज़्यादा है ना उनकी, ये नहीं वो कमाई वगैरह वाली, अगर 10 बंदे वो कमाने वाले हैं उनका भी गुजारा नहीं पड़ता, अगर 50 कमाने वाला होता है जिनका निज़ाम वगैरह चलता है वो तो चलो निज़ाम चलाएंगे, जो गरीब है बेचारा वो कम से कम जब वो रोटी के लिए तरस रहा है। इमरान ख़ान साहब, हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करें और गरीब आवाम के बारे में कुछ ना कुछ लाजमी सोचें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा तंग हैं जी, तो सस्ता ही होनी चाहिए, गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए। नहीं, आप क्या कहते हैं कि महंगाई किस तरह हो? महंगाई कम इस तरह हो सकती है भाई, एक तो पता ही नहीं चला, बिजली महंगी कर दी 8 रुपये हमें, और हर चीज़ महंगी हो रही है दिन पर दिन, 2 दिन के बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है, ये सस्ताई करें बस, गरीबों का ख्याल करें बस, यही मैं चाहता हूँ जी। लोग रोटी तो मजबूर हो गए ना, और के रिलीफ दे गए, ये रिलीफ देना सी उस, समझे ना, इस टाइम लोग मजदूर बंदा रोटी तो मजबूर है, लोग जो 3 टाइम रोटी खा रहे सन और 2 टाइम खाने एक टाइम खा रहे ना, बिजली के बिल इतने आ रहे, मजदूर बंदा बिल नहीं दे सकना, 15-20 हज़ार रुपया जिसकी तनख्वाह है, 15-20 हज़ार रुपया बिल आ रहे, वो कितु देसी बिल ना, इमरान नू तो कहवे ना, उन्होंने मिलां अपनी सारा कुछ अपना, आटा कितने पहुँच गया, चीनी कितने पहुँच गई है, वो कहना जी स्टे होया है, भाई तू वज़ीर आज़म स्टे होया है तो तू उसको छुड़ा नहीं सकना ना। गरीब मटाओ मुहिम शुरू हो गई है और ये बदमाशी पे लगे हुए हैं, इतने यू टर्न लेते हैं, झूठ बोलने का, झूठ बोलने का ये चैंपियन है, झूठ बोलने का ये चैंपियन है, कहता मैं 2 करोड़ आवाम को रिलीफ दूंगा, सब्सिडी दूंगा, लेकिन पेट्रोल मुझे महंगा करना पड़ेगा, तो अगले दिन ये पेट्रोल 8 रुपये महंगा कर देता है। ये बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। सब्ज़ी वाले रेटों में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा हो गया है, 145-146 रुपये पेट्रोल हो गया, तो ये सब्ज़ी वाले क्या करें? शलजम जो पहले 30 रुपये कभी मिलते थे, कभी 40 मिलते थे, अब 60 रुपये मिलते हैं, क्यों ना मिले 60 रुपये? पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो जाती है, जब पेट्रोल में जब कैरेज आना है, जब एक सुजुकी पे आएगा ये 20 हज़ार का आएगा, तो 5 हज़ार ये सुजुकी वाला ले किराया लेगा, तो ये हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, ये नाकाम हुकूमत। जो रोज़मर्रा की अशिया है उनमें हर टाइम हर कीमत बढ़ रही है, गरीब जो इंसान है उसके बस से बाहर हो गया है, और वो ये चाहता है कि कम हुकूमत की तरफ से रियायत की जाए, सब्सिडी दी जाए,
ना कि हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब बंदा है उसके लिए एक टाइम का खाना खाना वो बहुत मुश्किल हो गया। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो कहती थी कि हम तब्दीली लाएंगे और इन्होंने सिर्फ पेट्रोल और महंगाई में बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई है, पर आवाम के लिए कोई इन्होंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। आप एक चीज आपने ली है, मतलब हफ्ता पहले ली है और आज वो चीज ले रहे हैं, उसमें कितना का डिफरेंस? उसके अंदर 100 से 1 आइटम के पीछे 100, 100, 200 अबव हो जाता है एक आइटम के पीछे। इतना रेट तेजी से बढ़ रहा है, बिजली महंगी हो गई है। फैक्ट्रियों वाले जो कहते हैं, जिनसे माल उठाते हैं, वो कहते हैं जी बिजली महंगी है, गैस महंगी हो गई है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सनअतकार हैं वो गैस पे हैं, पेट्रोल पे हैं, बिजली पे चल रही है दिन ब दिन हर चीज़। बिजली का रेट कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, वो जिससे हम एक चीज़ हम अगर 50 की खरीदते तो इस टाइम मार्केट से हम 110 से 160 180 की खरीद रहे हैं। वो आवाम फिर हमें, हम दुकानदार हैं, आवाम आके हमसे लड़ती है, कस्टमर हमसे आके लड़ते हैं कि आप रियायत नहीं करते। हम कैसे रियायत करें जब मार्केट से हम खुद महंगी चीज़ खरीद के आवाम को किस तरह सस्ता दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा था कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, इस रिलीफ के बारे में आप क्या कहते हैं? रिलीफ तो किधर मिला है, उस बेचारे का इतना वस ही नहीं है। वही लोग हैं, चेहरे बदल के आगे हैं। लोगों से बड़ा ट्रस्ट किया है इमरान खान साहब पर कि वो कुछ बेहतरी करेंगे, लेकिन नहीं, महंगाई बहुत है। टमाटर 150 रुपये किलो हैं मंडी में और बाहर मिल ही नहीं रहे हैं, बाहर 250 रुपये। हम तो आए थे तो बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेके वापस गो टू होम। कोई तब्दीली शब्दीली नहीं। गरीब बंदे की जो आम जो सफ़ेद पोश बंदा है उसकी तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती चाहिए, मामलात हैं। ये शख्सियत जो उन्होंने मशीर वज़ीर रखे हैं वो उनको गलत मशवरे देते हैं। कोई ऐसा कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोल की महंगाई हुई है, ये आलमी लेवल पर हुई है। और दूसरी जो चीज़ें हैं खाने पीने की, इस पर कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पंजाब का। ये असल बात यह है कि ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम माफिया, ये इन्होंने एका किया हुआ है और ये चीज़ें जखीरांदोज करते हैं और शार्ट करते हैं, जिस वजह से शार्टेज होती है, चीज़ें महंगी होती हैं। ये गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे कंट्रोल कर ले तो गवर्नमेंट की कामयाबी भी है और चीज़ें भी सस्ती मिलेगी, रियायत मिलेगी। जी तो नाजरीन, आपने लोगों की बातें सुनी कि महंगाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावे तो बहुत करती है कि हम महंगाई को कम करेंगे और महंगाई, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पे लोगों का कहना ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें 100 से 150 रुपये ज़्यादा मिलती है। अगर हम आज अगर बात करें इतवार बाज़ार की, तो इतवार बाज़ार में जो चीज़ पिछले इतवार को इन्होंने 100 रुपये की ली थी वो एक इस वक्त 180 रुपये की हो चुकी है। तब्दीली सरकार के जो नारे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे वो सिर्फ एक नारे रह गए हैं और कुछ नहीं है। कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।